हे गाइस, वेलकम बैक टू द एपिसोड ऑफ माइंड फेस्ट। अगर आप 2 हफ्तों से देख रहे हैं तो वेलकम बैक, और अगर आप पहली बार देख रहे हो तो वेलकम। हम बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं कि कुछ अच्छा लेके आए माइंड फेस्ट के लिए, और कुछ ऐसा लेके आए कि हमारा भी माइंड फेस्ट हो उससे। तो हम लोग ने एक नया टॉपिक चालू किया है, एक नया थीम चालू किया है डिबेट का, जिसमें एक रैंडम टॉपिक आता है जिसमें मैं और अभिषेक टू एंड फ्रॉम बात करते हैं। एक चीज़ को मैं सपोर्ट करता हूँ, एक चीज़ को अभिषेक सपोर्ट करता है, वो नेक्स्ट चीज़ को मैं अगेंस्ट करता हूँ, अभिषेक को अगेंस्ट करता है। आप थीम तो समझ ही रहे हो। तो ये हफ्ते भी हम सेम चीज़ लेके आए, और हम तो पॉडकास्ट भी लेके आएंगे अगर हमें कोई अच्छा सा टॉपिक मिला रिसर्च करने के लिए तो। बट तब तक हम चाहते हैं कि आप जो प्यार हमें दे रहे हैं ये चीज़ पे तो देते रहिए, और विदाउट फर्दर डिले हम सीधा चालू करते हैं आज के टॉपिक के लिए। और ये टॉपिक सीधा चालू करते हैं माइंड फेस्टिंग टू एंड अगेंस्ट के लिए। अभिषेक जल्दी से टॉस कर दे। मुझे बहुत बुरा लगा कि तूने मेरा माइंड फेस्टिंग को इग्नोर किया। ऑलराइट, कॉइन टॉस। ओके, अगर टेल्स मेरा आया तो मैं फॉर रहूंगा, दैट मींस हेड्स में, मतलब तू फॉर रहेगा, मैं अगेंस्ट रहूंगा। तो फर्स्ट टॉपिक के लिए बेसिकली मैं फॉर रहूंगा, so I'll be in support of the statement and Abhishek will be against it. Let's go. That's right. I hope थोड़ा सा तड़कता फड़कता टॉपिक आए, थोड़ा मजा वजा आ जाए लाइफ में, है ना? Let's go. Okay, so the topic is the theory of evolution is true. Okay. Theory of evolution is true. So I am talking for this topic, and my statement is कि जो statement दिया है वो true है. टॉकिंग अबाउट साइंस, अगर हम लोग जो एवरी डे चीज़ करते हैं, साइंस, एवरी थिंग इज साइंस अराउंड अस, एंड एवोल्यूशन हमने देखा है, इट हैज़ बीन साइंटिफिकली प्रूवन, इट हैज़ बीन थियोरेटिकली प्रूवन। हम लिटरली एक पैटर्न भी देख सकते हैं अगर हमारे पास, अगर हम डेटा लें और डेटा को देखें कि इतने सालों से टॉकिंग अबाउट ह्यूमन, यहाँ पे ह्यूमन एवोल्यूशन की बात हो रही है, कोई भी एनिमल लिविंग बींग एवोल्यूशन की बात हो रही है। तो वी हैव सीन एप्स गो टू नियंडरथल्स एंड ऑल ऑफ द अदर काइंड ऑफ सेपियन बींग्स एंड देन होमो सेपियंस। सो दिस हैज़ बीन प्रूव साइंटिफिकली। हमारे पास कार्कसिस भी है, हमारे पास आर्ट्स भी है, हमारे पास बहुत सारा प्रूफ है कि ह्यूमंस यूज टू एग्जिस्ट। हमारे पहले का जो जनरेशन था, दे एग्जिस्टेड, दे लिव्ड इन अ सर्टेन सर्टेन सोसाइटी, सर्टेन सिविलाइजेशन। एंड कुछ भी चीज़ को अगर साइंस प्रूव करता है तो बिना प्रूफ के ट्रू नहीं बोलता। सो ओनली व्हेन इट इज़ ट्रू, इट इज़ ओनली ट्रू व्हेन इट इज़ प्रूव्ड। सिमिलरली बहुत सारी चीज़ें हैं जो साइंस प्रूव नहीं कर सकता तो वो ट्रू नहीं कहलाता। जैसे अगर इफ़ दे कांट प्रूव दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, देन इट इज़ नॉट ट्रू टिल देन, कि वो हाइपोथेसिस ट्रू जब तक नहीं होता, तब तक प्रूफ नहीं होता, प्रूफ नहीं होता जब तब तक वो ट्रू नहीं होगा। आई डोंट नो व्हाई इतना सिंपल टॉपिक में मुझे क्यों इतनी तकलीफ हो रही है बोलने के लिए, बट या आई थिंक आई रेस्ट माई केस देयर, आई डोंट वॉन्ट टू पुश दिस, इट्स सो ऑब्वियस। या ओके, so fair, understandable, very nice. So as we were talking about in the previous episode ki bahut sari cheeze hum log ko pata hai and as a truth hum believe karte hai, but jab usko aap debate mein kisi ne pooch liya ki kyun, to humko realize hota tab ki ye sab ke bare mein humne bahut sari cheeze sochi nahi hai. So this brings a big question on our own knowledge ki humko kitne cheezon ke bare mein pata hai, kitne cheezon ke bare mein nahi pata hai. But anyway, coming back to the game, I have to say against this theory, the theory of evolution is true. So let me try to think logically what can be used as statements to prove this wrong, right? So firstly, the theory of evolution is based on a scientific research and scientific study. But is the scientific truth the only truth? Uske alawa koi aur truth nahi hai? Aisa hoya hai kya? साइंस ने प्रूव नहीं किया है कि भगवान है, बट आप स्पिरिचुअली ले लो, कोई रिलीजन वाइज ले लो, देर इज अ बिग सेट ऑफ एंड बिग पॉपुलेशन पीपल जो लोग भगवान पे दिलो जान से बिलीव करते हैं, अपने लाइफ एंड डेथ को लेके बिलीव करते हैं भगवान पे बहुत ज्यादा, राइट? सो इसमें ये बोल के हम ये एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि साइंटिफिक ट्रूथ इज ओनली साइंटिफिक ट्रूथ, उसको आप ये कंसिडर नहीं कर सकते कि दैट इज द वर्ल्ड ट्रूथ,
कि वही एक ट्रूथ है. इट्स अ वे ऑफ फाइंडिंग ट्रूथ, राइट? लाइक सच्चाई ढूंढने का ही सब तरीका है एक्चुअली. पूरी दुनिया में हर कोई सच्चाई ढूंढ रहा है, चाहे वो साइंस के थ्रू हो, चाहे वो रिलीजन के थ्रू हो, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी के थ्रू हो, चाहे वो किसी के भी थ्रू हो, राइट? दीज आर जस्ट मेथड्स टू फाइंड ट्रूथ. तो अगर क्वेश्चन आप देखेंगे तो इट सेज थियरी ऑफ एवोल्यूशन इज ट्रू. आई हैव टू से अगेंस्ट इट, यस साइंटिफिकली इट बी ट्रू, बट इज इट द परफेक्ट, द ओनली ट्रूथ? दैट इज अ बिग क्वेश्चन, बिकॉज और चीज़ें इससे बात नहीं हो पाती, ठीक है? अब थियोरी ऑफ एवोल्यूशन कैसे होता है कि हम पहले यूनिसेलुलर थे, फिर उससे मल्टीपल सेल्स बने, फिर वहाँ से पानी में सबसे पहले जानवर आए, फिर वो एम्फीबियंस बने, लैंड में आए, लैंड में आते थे, पानी में आते थे, फिर लैंड में रहते थे, फिर अचानक से मैमल्स बने, मैमल्स के बाद ह्यूमंस बने, एंड ये ऐसे ऐसे पूरा चक्कर हुआ. सो दिस इज व्हाट थियोरी ऑफ एवोल्यूशन सेज. नाउ आई वुड लाइक टू ब्रिंग अ क्वेश्चन टू दिस, ठीक है? व्हाट इफ, नाउ व्हाट इफ the whole evolution process on earth did not originate in earth? This, hear me out, this is just a question I'm putting. I'm not like arguing necessarily with people to change their belief systems, but what if there came a meteor long back, billions and billions of years ago, that brought life to earth, and those developed and became like a different animal, and similarly with every meteor shower different species just came to earth. If that is what happened is every species did not originate inside earth, it came through different sources, and then every species just grew and reproduced, and we see all of those now. Among those species that came, few of them could live through the exams that the planet earth put through them, and some of them that did not are extinct, exhibit a dinosaurs, and the ones that are still could live are here right now. So that is just a question that I can think on trying to argue with the scientific fact, because through science, how do we know? Obviously through paleontology, through fossil study, through archaeology, these are the methods, science studies through which we know. We know this because at the moment nothing has existed to like negate those things. But what if we find something tomorrow to negate those things? So the statement, the theory of evolution is true, scientifically yes, other method wise we don't know. So that's why I cannot say it's the final truth. So that's how I end my statement right here. Oh, nice, really nice. It was a good turn around and work around towards negating the statement. Yeah, it's nice. Yeah, because like आप personal beliefs कुछ और है, personal studies कुछ और है, personal backing कुछ और है, but still कुछ दिया है, तो we are basically thinking outside the box कि क्या क्या चीजें बोल के about this topic. Why did we never made a podcast on this? Now if I think about it, because when you say meteors के through चीजें हुई, so that is I think so if you read about the creation of earth and how earth was in a gaseous state and liquid state and then this state and that state, so that is basically what happens, and that is how life comes into place, or any generation or any life begins. It is through external things. Earth was never given to someone ki ye earth hai, ye peti pack hai. There are always external things that made earth earth, and that is how life grew, and that is what theory of evolution or the proof that the scientists have gathered kind of is derived from. Because अभी ये सब थे क्योंकि कोई तो देखने तो गए देख meteor showers is something that you can't calculate, right? कि कभी हुआ था तुमको क्या ही मालूम. तुम्हारे पास जो प्रूफ है वो तो कार्बन डेटिंग वाला प्रूफ है, ठीक है? Exactly, and कार्बन डेटिंग भी एक एक्सटेंड तक है. Yeah, and उसके बाद you don't know कि एक meteor shower है, that is probably 1000 miles beneath the earth's surface, and उसके ऊपर और 50 meteor showers है, so you only know about the top 5, what about the other 45 meteor showers? So yeah, that exactly. you can never be certain about something, but science is science, and whatever they say, you have to kind of take it as a whole truth. Yeah. Because unless you are like capable enough to prove that wrong in some other way. That's always what if always think. Yeah. So yeah, nice. Interesting. Lovely. Nice mind bending. Yeah, okay, we'll go to the next one, and whatever is the next argument, I would be supporting that, and Hardik would be against it. Cool.
So let's go. I guess we'll take this as an argument. I hope this is also as spicy. Let's go. All right. So this topic is also interesting. The government should pay for post-secondary education. This is a very interesting topic. And I'm glad that I have to say in support of this. But I'm also a little excited on what Hardik is going to bring against this topic. So I'm excited for this. Let's start. So the argument says government should pay for post-secondary education. मतलब बेसिक एकदम सिंपल अंडरस्टैंडिंग में करें तो बच्चों का एक हद तक का पढ़ाई फुल्ली स्पॉन्सर हो जाएगा. तो क्योंकि आज के ज़माने में अगर एक बच्चे को एडुकेशन देना है, अब वो एडुकेशन पे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो एडुकेशन इंटरनेशनल स्टडी हो, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ो कि प्राइवेट पढ़ो. अभी अगर आप नॉर्मल एक मिडिल क्लास बच्चे को देखें, मैं इंडिया का स्टैंड पॉइंट लेके बात कर रहा हूँ, अगर एक बच्चे का पढ़ाई आपको स्पॉन्सर करना है, एंड बाय पोस्ट सेकेंडरी इट इज़ टॉकिंग अबाउट आई गेस हाई स्कूल एंड कॉलेज, वो जो पीरियड होता है आई गेस 8th-9th से लेके आई गेस 12th तक, वो जो पीरियड का जो स्टडी होता है बहुत ज़्यादा क्रूशल होता है. आप बहुत सारे केसेस में देखोगे क्योंकि ही बच्चों को पढ़ाते हैं पर 5th-7th कक्षा के बाद उनको ड्रॉप हो जाता है बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल ट्रबल्स, बिकॉज अर्लियर ईयर्स में एडुकेशन कम होते हैं, बिकॉज जैसे एडुकेशन का लेवल बढ़ते जाता है एडुकेशन टफ हो जाता है, बच्चों को शायद एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है, तो वो टाइम पीरियड पे खर्चा भी बढ़ जाता है. वो खर्चा बढ़ जाता है तो उसके चक्कर में बहुत सारे फैमिलीज़ में जहाँ पे आमदनी उतनी अच्छी नहीं है, पेमेंट्स उतने अच्छे नहीं हैं, वो लोग बच्चों को ड्रॉप आउट करा देते हैं. बट इनको अगर ये केस दे कि वही एडुकेशन फ्री है, सो बेसिकली जो आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन था जो मोस्टली इन केसेस में होता है कि यू डोंट हैव टू पे फॉर इट, तो माइट एज वेल फ्री का है, लो माइट एज वेल यू कैन गो एंड गेन दैट एडुकेशन. वंस यू गेन दैट एडुकेशन एंड दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एडुकेशन बिकॉज वो आपको स्कूल के शेल से थोड़ा सा आज़ाद करता है और थोड़ा सा एक नए दुनिया में लेके जाता है विथ योर जूनियर कॉलेज एंड विथ योर न्यूअर एक्सपीरियंसेस, राइट? और जब वो एक्सपीरियंसेस होता है एक बच्चों को, तो बेसिकली उसका माइंड इज एक्चुअली वर्किंग, एक्सपोजर बढ़ रहा है, ज्ञान बढ़ रहा है, और वो बच्चा डिसाइड कर पाता है कि हमको आगे करना क्या है, जो एडुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अगर वो एडुकेशन को गवर्नमेंट कवर कर रहा है, सो यू कैन एटलीस्ट एंश्योर दिस कि लॉट मोर पीपल विल स्टिक टू कॉलेज इंस्टेड ऑफ ड्रॉपिंग आउट जस्ट फॉर मनी रीजंस, एंड दोज पीपल विल टर्न आउट टू बिकम ग्रेटर सिटीजन्स ऑफ द कंट्री एंड डू गुड फॉर द कंट्री. दे विल मे बी वर्क फॉर बिकम अ स्ट्रॉन्ग वर्क फोर्स और मे बी स्टार्ट समथिंग ऑफ देयर ओन, एंड ऑल दीज कैन बी अचीव थ्रू पोस्ट सेकेंडरी एडुकेशन इफ द गवर्नमेंट इज मेकिंग इट फ्री. I guess I rush my case. I'm pretty sure there are more points to answer, but like, I guess this is from my side. Okay, that's a good one. Obviously, it's a good one because you know because you want that, like, right? Because you want that to happen. Correct. Oh, I'm while you were talking, I was listening to you and I was trying to think something that is that can prove this kind of ki itna to true nahi hai. But there are few things that I can think about right away. First thing I would say is, since I have to negate this, is why only the government has to pay only post-secondary? Why is that such a big constraint, right? कि ऐसा ज़रूरी क्यों है कि post-secondary को education को free करना है? पहले का भी free कर सकते हो अगर आपको करना है तो, right? Now, if we talk about the expenses of the government for education, for any country for that matter, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इंडिया इज़ लाइक हाईली पॉपुलेटेड कंट्री, बट अगर कम पॉपुलेटेड कंट्री भी है तो जो एक्सपेंसिज है, जो मेजर एक्सपेंसिज ऑफ एनी स्टूडेंट इज ऑलवेज हायर वेन इट कम्स टू पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन एज कम्पेयर टू द सेकेंडरी सेकेंडरी एजुकेशन, बिकॉज इट स्कूल इज ऑलवेज चीपर एज कम्पेयर टू अ डिग्री. सो वेन यू टॉक अबाउट एक स्टूडेंट जिसको फ्री एजुकेशन मिल रहा है पोस्ट सेकेंडरी के लिए, इट्स वो जो इंसान है, वेट लेट मी ट्राई टू फ्रेम इट इन अ बेटर मैनर. इफ अ पर्सन कांट फंड देमसेल्व्स इन अ प्री सेकेंडरी एजुकेशन, आई डोंट थिंक दे विल बी एबल टू पे फॉर द पोस्ट सेकेंडरी के लिए तो दे ही नहीं पाएंगे अगर प्री के नहीं दे पाए. तो इफ द गवर्नमेंट इज विलिंग टू फंड प्री सेकेंडरी, दैट इज कि उनका बेसिक्स और फंडामेंटल ही स्ट्रांग नहीं है. अगर तुम बच्चे को स्कूल में ही नहीं डाल रहे हो तो पोस्ट सेकेंडरी तक तो पहुंचने ही नहीं वाले. अगर इंसान के पास पैसा नहीं है तो वो तो स्कूल में डाल ही नहीं रहा ना उसको. अगर
एक वो ब्रैकेट की बात कर रहे हैं हम लोग कि बच्चा स्कूल जा ही नहीं पा रहा क्योंकि माँ बाप के पास पैसा ही नहीं, तो पोस्ट सेकेंडरी तो जाने दो, वो स्कूल ही नहीं जा पाया कभी। एंड सेकेंड थिंग टॉकिंग अबाउट कंट्रीज पॉपुलेशन इज अगर हम कंट्रीज के बारे में बात करें, आई बिलीव जर्मनी इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट इज सपोर्टिंग पब्लिक फंडेड, दैट इज गवर्नमेंट फंडेड स्कूल्स फॉर अ सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम। जैसे ये पोस्ट सेकेंडरी की एजुकेशन की बात हो रहा है, आई एम नॉट श्योर कितना पीरियड के लिए वो लोग सपोर्ट करते हैं, बट जर्मनी इज द ओनली कंट्री आई बिलीव जो एजुकेशन सपोर्ट करती है इन दैट मैटर, क्योंकि उनका पॉपुलेशन इज रियली लो एज कम्पेयर टू इंडिया और चाइना और अदर कंट्रीज, एंड दैट मेक्स इट सो मच ईजियर फॉर द गवर्नमेंट और द प्राइवेट NGOs टू काइंड ऑफ डोनेट टू द गवर्नमेंट कि ये पैसा जो है वो स्टूडेंट्स के लिए जाएगा, इतना पैसा है जो हम देना चाहते हैं फॉर एजुकेशन, फॉर पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन और व्हाटएवर एजुकेशन दैट वी आर कंसिडरिंग। तो ये जो है ना वो बहुत ज़्यादा फाइनाइट अमाउंट है, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट 1,000 crores और इफ यू आर टॉकिंग अबाउट 1 lakh crores प्रोवाइडिंग फॉर द एजुकेशन। बट वही अगर सेम रेशियो हम इंडिया का लें, या मैं हम इंडिया की बात करें बिकॉज वी आर कमिंग फ्रॉम देयर, इतना बड़ा अमाउंट हो जाएगा कि इट इज इट द थिंग इज दैट वेन यू डेवलप सच अ प्लान कि इतना पैसा हम देने वाले, यू आर ब्लॉकिंग दैट अमाउंट इन द बैंक कि इतना पैसा हम स्पेंड नहीं कर सकते क्योंकि ये एजुकेशन के लिए जा रहा है। नाउ अगर वो एजुकेशन के लिए नहीं गया तो वो पैसा तो ब्लॉक हो गया ना, दैट मनी हैज़ बीन ब्लॉक्ड और इट हैज़ टू बी कैरी फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट ईयर और यू डोंट नो वॉट टू डू विद दैट मनी। अभी वो पैसा तुम्हारा समझो कि योर गवर्नमेंट्स बजट इज 100 rupees, इफ़ यू हैव डिसाइडेड दैट 50 rupees गोज टू द एजुकेशन और 50 rupees ख़त्म नहीं हो रहे हैं एंड द अदर 50 rupees इज बैलेंसिंग द एंटायर इकोनॉमी ऑफ योर कंट्री, then and you want more money so that your economy is stronger but you can't because your money has been blocked in the education. So the post secondary education is already so expensive, plus you are blocking a lot of money, plus you don't know what is the future of your country, plus there are a lot of people who have not done their pre secondary post secondary ki to baat hi alag hai. So there is lot of money that is being just this is potential बट वो स्टैटिक मनी है, इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर, इट्स नॉट गुड फॉर द एंटायर कंट्री। सो आई डोंट थिंक दैट फॉर द गवर्नमेंट टू पे फॉर द पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन इज अ गुड आइडिया एंड आई रेस्ट माय केस देयर। ओह माय गॉड। So basically, Hari doesn't think this way. It's just the topic and the game's format. Wow, it was difficult to frame this, but yeah. But with your argument, I have just one question. It's like the money that is getting blocked, if that is getting invested, I know it's like a big chunk from the government's budget and everything, but if that is like huge, it's like any investment, right? It's like an investment with a hope of return that all these people, all these students will get out educated and they would be able to do things inside the country which would indirectly then increase the makes sense, that does make sense, yeah, but it's about the potential, right? Ki hoga ya nahi hoga, and for a country to invest billions and billions and zillions of dollars just for a potential is not as returning as compared to building a highway and getting tolls, right? Okay, the way it is so tough to talk about the thing, to support the things with logic, the things that you have already been believing, it's equally so difficult to support the things which you want this to happen. It's not like you don't want this to happen, right? You want this, tumhara agar koi fees bhar ke dega government, you'd be beyond happy. Yeah. But is it good for your country? Yeah. All right. I guess these two topics were very mind-bending nice topics, for this episode. I'm glad this episode made me think a lot. And having said that, we did celebrate the power of minds through this game. I hope you do too. Let us know in the comments below what do you think about topics like this and if you want us to keep continuing this game, because we feel that this particular experimental podcast has a big potential to it. We can bring in a lot more important topics as a discussion and not just random topics. You let us know what do you think. And having said that, Hardy, what do you want to say? No, nothing else. I mean, we're just really happy that we finally found a space where we can kind of think more on the spot, and it has been fun. I've been watching our own podcast after a very long time, so that's always a good sign. So thank you so much for watching, guys. Keep celebrating the power of your mind, and thank you so much for watching. Yeah.
Thank you.